नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के पुलिस महकमे में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में कर्मचारियों का कराए गए मेडिकल परीक्षण के दौरान जहां 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, वहीं बुधवार की दोपहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। इस दौरान 9 पुलिस कर्मियों का कोरोना संक्रमित पाया गया है। हालात यह है कि अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय बंद होने की कगार में आ गया है। हम आपको बता दें कि लगभग 3 दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ सभी कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया था। इस दौरान बीते 2 दिनों में 15 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। लगातार पुलिस कर्मियों के ऊपर कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए अब जिला पुलिस बल में हलचल पैदा हो गई है। हालात यह है कि पुलिस कर्मी सहित उनके परिजन कोरोना को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। जिन पुलिस कर्मियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही इन पुलिस कर्मियों की कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगाली जा रही है। हम आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद वह होम क्वारंटाइन हो गए हैं। वहीं कोरोना के आगोश में लगातार आ रहे पुलिस कर्मियों के चलते इसका असर जिले की कानून व्यवस्था पर भी बृहद स्तर पर पड़ेगा। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन के दौरान भी पुलिस काम करती रहती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से कल भी और आज भी लगातार अभियान चल रहा है कि पुलिस के सभी कार्यालयों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनका कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। कल आपको जानकारी है, पुलिस महानिरीक्षक महोदय के कार्यालय में सभी कर्मचारियों को टेस्ट कराया गया था। 5 लोग कल पॉजिटिव पाए गए थे। आज यही अभियान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चल रहा है। हालांकि अभी कोई इसकी पुष्टि डॉक्टर द्वारा नहीं की गई है, लेकिन अभी तक हमको जानकारी निकल के आई है, अभी तक 6 लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं।